हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे। दरअसल क्या है कि अभी के टाइम पे 25,000 के प्राइस रेंज में आपको एक दो फोन नहीं काफी सारा फोन मिल जाएगा। ऐसे में थोड़ा मोरा कंफ्यूजन तो हो ही जाता है कि कौन सा फोन लेना चाहिए। अगर आप भी कंफ्यूज है तो ये वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन बताएंगे जिसे आप खरीद पाएंगे 25,000 के अंडर में, जिनमें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर काफी नेक्स्ट लेवल का मिल जाएगा। और आपको बता दें कि इन सभी में आपको अच्छा पावरफुल प्रोसेसर मिल जाएगा जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अच्छा कैमरा मिल जाएगा जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अच्छा डिस्प्ले भी मिल जाएगा, उसके साथ साथ हाई रिफ्रेश रेट भी होगा। फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलेगा, बड़ा रैम स्टोरेज होगा। और देखा जाए तो प्राइस रेंज के हिसाब से सभी फीचर इनमें आपको काफी अच्छा दिया गया है। तो ये वीडियो आपको एक अच्छा स्मार्टफोन लेने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो अपने लिस्ट का पहले नंबर पे आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M52 5G। दोस्तों ये फोन जो है ना अभी के टाइम पे आपको 20,000-22,000 रुपए में मिल जाएगा, एंड इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। और इनमें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर काफी धांसु लेवल का दिया गया है। तो फिर चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। तो ये फोन जो है ना प्लास्टिक बिल्ड पे बना हुआ फोन है, प्लास्टिक का बैक प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। एंड ये फोन जो है ना एक अच्छा लाइट वेट फोन है, क्योंकि 173 ग्राम इस फोन का वेट है और 7.4 mm का काफी पतला सा फोन है। आप इस फोन में 2 SIM या फिर 1 SIM एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं, यानी कि हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है। और सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो One UI 3.1 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का, तो इसमें आपको सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 6.7 inch का फुल HD प्लस है। और इसके ऊपर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। स्क्रीन को स्मूथ करने के लिए 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। स्मूथनेस जो है ना इस फोन का काफी जबरदस्त लेवल का दिया गया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। ये तो हो गया डिस्प्ले, डिस्प्ले नो डाउट इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 64 MP का है, सेकेंड कैमरा वाइड एंगल सेंसर है जो की 12 MP का है, थर्ड कैमरा 5 MP का दिया गया है और सेल्फी कैमरा 32 MP का दिया गया है। आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पर, एंड पीछे का कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS एंड 60 FPS पर। और वहीं फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं केवल 30 FPS पर। तो कैमरा भी इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का, तो इनमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाएगा। और ये प्रोसेसर जो है ना 6 nm पर बना हुआ है। प्रोसेसर जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं, एंड 500,000 के आसपास इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है। बात करें बैटरी का, तो इनमें आपको 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, जो कि सपोर्ट करता है 15W का फास्ट चार्जर को। चार्जिंग वगैरह में थोड़ा मोरा टाइम ले सकता है, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आपको अच्छा खासा बैकअप भी दे देगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। और आप चाहे तो 1TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फाइनली इस फोन का प्राइस का, तो 6/128 के लिए अभी के टाइम पे आपको 19,999 रुपया देना होगा, एंड 8/128 के लिए अभी के टाइम पे आपको 22,000 रुपया देना होगा। ये प्राइस में केवल अमेजोन पर ये फोन आपको मिलेगा। अगर आपका बजट 20-22,000 रुपया है तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा, तो अगर आप इस फोन को चाहे तो ले सकते हैं। अदरवाइज चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो अपने लिस्ट का दूसरे नंबर पे आता है Redmi की तरफ से Redmi K50i। दोस्तों ये फोन भी जो ना अभी के टाइम पे आपको 22,000-23,000 रुपया में मिल जाएगा। और इनमें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर काफी धांसु लेवल का दिया गया है। अगर आपको 25,000 के अंडर में अभी के टाइम पे एक अच्छा ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन चाहिए ना, तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो फिर चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। इनमें आपको 6.6 inch का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले दिया गया है, और इसको स्मूथ करने के लिए 144Hz का हाई रिफ्रेश रेट एंड 270Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। स्मूथनेस इस फोन का काफी जबरदस्त लेवल का दिया गया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। एंड 650 nits का ब्राइटनेस मिल जाएगा, जो कि ठीक ठाक ही है। और इसके ऊपर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो ये डिस्प्ले जो है ना गेमिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 64 MP का है, सेकेंड कैमरा वाइड एंगल सेंसर है जो कि 8 MP का है, थर्ड कैमरा 2 MP का है और सेल्फी कैमरा 16 MP का दिया गया है। आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते 30 FPS पर, एंड 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पर एंड 60 FPS पर। तो कैमरा इस फोन का भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का, तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 8100 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाएगा। और आपको बता दें कि ये प्रोसेसर जो है ना 5 nm पर बना हुआ है। तो प्रोसेसर इस फोन का जो है ना काफी पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। बात करें बैटरी का, तो इसमें आपको 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, जो कि सपोर्ट करता
करता है 67 वाट का फास्ट चार्जर को। तो ये चार्जर जो है ना आपके फोन को काफी फास्ट चार्ज करके देगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगा सकते हैं। तो इस फोन का प्राइस को बाद में बताएंगे, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अदर फीचर पे। इस फोन का वजन आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा क्योंकि इस फोन का वेट 200 ग्राम है जो कि ठीक ठाक ही है और 8.9mm का थिकनेस है, थिकनेस भी ठीक ठाक ही है। 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा, स्टूडियो स्पीकर्स दिया गया है। इनमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा जिससे आप 2 SIM एंड 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं और सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो MIUI 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है। अब बात कर लेते हैं फाइनली इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन का बेस वेरिएंट को लेने के लिए यानी कि 628 वाले वेरिएंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 23,990 रुपया देना होगा, यानी कि ये समझ लीजिए कि 24,000 रुपया इस फोन का प्राइस है। अगर आपको अभी के टाइम पे 25,000 के अंडर में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा और ये फोन जो है ना एक अच्छा पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन है। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो अपने लिस्ट का तीसरे नंबर पे आता है Xiaomi की तरफ से Xiaomi 11i 5G। दोस्तों ये फोन भी जो है ना 25,000 के अंडर में काफी अच्छा फीचर के साथ आता है। तो फिर चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं कि आगे जिस फोन में दिया गया है। तो ये फोन जो है ना ग्लास बॉडी के साथ आता है। ये फोन आपको हल्का फुल्का भारी महसूस करा सकता है क्योंकि इस फोन का वेट 207 ग्राम है जो कि ठीक ठाक ही है और 8.3mm का थिकनेस यानी कि ज्यादा मोटा फोन नहीं है। आप इस फोन में 2 SIM या फिर 1 SIM 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं यानी कि हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है। 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा, स्टूडियो स्पीकर्स दिया गया है और सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। यूजर इंटरफेस की बात करें तो MIUI 12.5 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है। अब बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का, तो इनमें भी आपको AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो कि 6.6 इंच का फुल HD प्लस है और इसके ऊपर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। 1200 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है जिससे आपको डे लाइट या आउटडोर में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा एंड 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 360Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। ये तो हो गया डिस्प्ले इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकेंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जो कि वाइड एंगल सेंसर है, थर्ड कैमरा माइक्रो लेंस है जो कि 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर एंड 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर एंड 60fps पर। तो कैमरा इस फोन का भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का, तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर दिया गया है और ये प्रोसेसर जो है ना 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से प्रोसेसर जो है ना काफी अच्छा है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं एंड 4.5 लाख के आसपास इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है, स्कोर भी ठीक ठाक ही है। बात करें बैटरी का, तो इनमें आपको 5160mAh का बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 67W का फास्ट चार्जर को। ये चार्जर जो है ना आपके फोन को काफी फास्ट चार्ज करके देगा। अब बात कर लेते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इसमें आपको 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और आप चाहे तो 1TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं और ये जो है ना इस फोन का बेस वेरिएंट है और इसको लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 24,999 रुपया देना होगा। इस फोन का और एक वेरिएंट आता है 8128, उस वाले वेरिएंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 27,000 रुपया देना होगा। तो इस फोन का बेस वेरिएंट आपके लिए अच्छा स्मार्टफोन होगा, तो अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो अपनी लिस्ट का फोर्थ नंबर पे आता है Vivo की तरफ से Vivo T1 Pro 5G। दोस्तों ये फोन भी जो है ना 25,000 के अंडर में काफी अच्छा फीचर के साथ आता है। इनमें भी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का मिल जाएगा। तो फिर चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। तो ये फोन भी जो है ना प्लास्टिक बिल्ड पे बना हुआ फोन है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। ये फोन भी जो है ना लाइट वेट फोन, 180 ग्राम इस फोन का वेट है। 8.4mm का थिकनेस है जो कि ठीक ठाक ही है, ज्यादा मोटा भी नहीं है। इनमें आपको डिस्प्ले के अंडर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा और इनमें आपको हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो फनटच OS 12 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है। अब बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का, तो इनमें भी आपको AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो कि 6.4 इंच का है, फुल HD प्लस ही है। बात करें स्मूथनेस की, तो नॉर्मल 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 180Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। स्मूथनेस को ज्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते हैं बट ठीक ठाक ही है और 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है जिससे आपको सनलाइट या आउटडोर में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया डिस्प्ले। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है,
कैमरा वाइड एंगल सेंसर है जो कि 8 मेगापिक्सल का है। थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है और प्राइमरी कैमरा का 1.7 का अपर्चर है। तो कैमरा इस फोन का भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का, तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाएगा और ये प्रोसेसर जो है ना 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्रोसेसर इस फोन का काफी पावरफुल है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं एंड 5.5 लाख के आसपास इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है। बात करें बैटरी का, तो इसमें आपको 4700mAh का बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 66W का चार्जर को। ये चार्जर जो है ना आपके फोन को काफी फास्ट चार्ज करके देगा। अब बात कर लेते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इसमें आपको 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और इसी को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 25,000 रुपया देना होगा। इस फोन का और एक वेरियंट आता है 6128 और उसको लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 24,000 रुपया देना होगा। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो आप अपना बजट के हिसाब से वेरियंट को चूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का आखिरी फोन का। तो अपने लिस्ट का आखिरी फोन आता है वन प्लस की तरफ से वन प्लस नोट सीई 2 5G। दोस्तों ये फोन भी जो ना अभी के टाइम पे आपको 25,000 के अंडर में मिल जाएगा और इस प्राइस रेंज के हिसाब से इनमें आपको सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का मिल जाएगा। तो फिर चलिए डिटेल्स में एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। तो इनमें भी आपको एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो कि 6.4 इंच का फुल HD प्लस है और इसके ऊपर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा और नॉर्मल 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है जो कि ठीक ठाक ही है। ये तो हो गया डिस्प्ले इस फोन का ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा वाइड एंगल सेंसर है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है और प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है। आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर और वहीं फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। तो कैमरा इस फोन का भी काफी अच्छा दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का, तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 वाला प्रोसेसर मिल जाएगा और यह प्रोसेसर जो है ना 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से प्रोसेसर ठीक ठाक ही है एंड 4,20,000 प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है। बात करें बैटरी का, तो इसमें आपको 4500mAh का बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 65W का फास्ट चार्जर को। ये चार्जर जो है ना आपके फोन को काफी फास्ट चार्ज करके देगा। अब बात कर लेते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इसमें आपको 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। इस फोन का प्राइस को बाद में बताएंगे, उससे पहले डाल लेते हैं अदर फीचर पे। तो ये फोन भी जो है ना एक अच्छा लाइट वेट फोन है क्योंकि 173 ग्राम इस फोन का वेट है। 8mm का थिकनेस है, काफी पतला सा फोन है। इनमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा जिससे आप 2 SIM एंड 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं और 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा और इनमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है जो कि काफी अच्छा है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो ऑक्सीजन OS 12 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है और इनमें आपको एंड्रॉइड 12 का अपडेट भी मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का, तो 628 के लिए आपको 24,000 रुपया देना होगा फिलहाल के टाइम पे और 8128 के लिए आपको 25,000 रुपया देना होगा अमेजोन पर। अगर आपको 25,000 के अंडर में अभी के टाइम पे एक अच्छा स्मार्ट फोन चाहिए ना, तो यह फोन भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। और वैसे भी अब आपके पास 5 ऑप्शन है, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर होगा। और उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।